हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद। आज आपको मैं किर्गिस्तान के बारे में पूरी मालूमात बताऊंगा कि आपने वार परमिट लेके वहां पर कैसे जाना है। मेरी पिछली वीडियो आज से 2.5-3 माह पहले की वीडियो थी, उसमें कुछ वैकेंसीज थी टेलर की, तो वो वार परमिट खत्म हो चुके थे। उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा कॉल्स आई कि भाई आप हमें बताएं कि किर्गिस्तान का वार परमिट अवेलेबल है या नहीं है, हम जाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे मेरे दोस्त अहबाब हैं जो अभी भी मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं किर्गिस्तान के हवाले से कि वो किर्गिस्तान जाना चाहते हैं, वार परमिट पर जाना चाहते हैं। तो उनके लिए एक अच्छी गुड न्यूज ये है कि आपको किर्गिस्तान के वार परमिट हमसे इंशाल्लाह मिलेंगे। आप हमसे रब्ता करें, आपको मैं तफसील बता दूंगा इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा, आपको पूरी तरह इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाएगी। इसमें जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होता, वो आते हैं जस्ट वीडियो देखते हैं चले जाते हैं। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया जी करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया जी करें, ताकि जो भी मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हो, न्यूज हो, कोई अपडेट्स आए आप तक सबसे पहले पहुंचे, आप उसको देखें सुने, उससे फायदा उठा सकें। तो नाजरीन चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो किर्गिस्तान का वर्क परमिट। आपको बताता चलूं, तकरीबन 2-3 हफ्तों से किर्गिस्तान के वर्क परमिट विजिट वीजा वगैरह बंद हुए हुए थे, अभी भी फुली ओपन नहीं हुए, लेकिन कुछ ऐसे वर्क परमिट अवेलेबल है जो कि आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप किर्गिस्तान जाना चाहते हैं, वहां जाकर वर्क परमिट पे काम करना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका वर्क परमिट 2 से 3 हफ्तों में आपको मिलेगा, आप वहां पे जाएं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है इस वर्क परमिट में। आपको बताता चलूं कि जो वर्क परमिट है ये आप जाएंगे, ये ओपन वर्क परमिट है, आपको वर्क परमिट मिलेगा, आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं। जॉब की गारंटी हमारी नहीं होगी, आपको हम वर्क परमिट लेके देंगे जो कि ओपन वर्क परमिट होगा। 1 साल का वर्क परमिट इसकी जो लिमिट होगी, 1 साल इसकी लिमिट होगी। आपका सबसे पहले जो प्रोसेस शुरू में बता दूं, पाकिस्तान से अगर आप या किसी भी मुल्क से हैं, आपकी कंट्री से या पाकिस्तान से, आपको 1 या 2 माह का वीजा मिलेगा। 1 या 2 माह का वीजा लेकर आप किर्गिस्तान जाएंगे, वहां पर हमारा बंदा आपको आपका बाकी जो पेंडिंग जो वर्क परमिट के माह रहते होंगे वो वहां से लगवा के देगा। पूरा एक प्रोसेस होगा, पाकिस्तान से जो होगा 1 माह का या 2 माह का आपका वीजा लगेगा। इस वीजे को जब आप किर्गिस्तान पहुंचेंगे, आगे फिर हमारे स्टाफ मौजूद होंगे, आपको हम उनका नंबर, उनका एड्रेस, एवरीथिंग दे देंगे। आप जैसे ही किर्गिस्तान पहुंचते हैं वो आपसे खुद कॉन्टेक्ट करेंगे या आप उनसे कॉन्टेक्ट करिएगा। उसमें यह है कि वो फिर आपको बाकी जो, सपोज अगर आपका पाकिस्तान से, वैसे 1 साल का वर्क परमिट है, 1 साल के वर्क परमिट से आपका 1 माह का लगे या 2 माह का, अगर 1 माह का लगे बाकी 11 माह का वीजा आपका किर्गिस्तान जाके लगेगा, और अगर आपका 2 माह का लगे तो बाकी 10 माह का वीजा आपका किर्गिस्तान जाके लगेगा। वो तमाम चीजें जो भी होंगी, जितनी भी आपकी जो हमारी पेमेंट होगी, इस चीज में इंक्लूड है, चाहे पाकिस्तान से जब आप अप्लाई करेंगे और उसके बाद किर्गिस्तान से आगे जो बाकी माह रहते हैं उनका वीजा लगवा के देना, ये हमारी जिम्मेदारी होगी, हमारी कंपनी की जिम्मेदारी होगी, हम आपको लगवा कर देंगे। हम ऐसे नहीं कहते कि आपको जी वीजा है किर्गिस्तान का, आप चले जाएं, 1-2 माह का लगा दिया वर्क परमिट, उसके बाद आप वहां पर जाएं, आगे आपका 2 माह बाद वीजा खत्म हो, आपको वापस आना पड़ेगा। नहीं, जैसे ही आप किर्गिस्तान पहुंचेंगे आपको हमारा स्टाफ मिल जाएगा, हमारा स्टाफ आपको पूरी तरह गाइड करेगा। 1-2 दिनों में वहां पर आपका वीजा जो एक्सटेंड के लिए, एक्सटेंशन के लिए उधर केस सबमिट होगा, वो तमाम जितना भी प्रोसेस में उधर जो टाइम लगेगा 15 से 20 डेज उधर लगेंगे, आपको 1 साल का किर्गिस्तान का वर्क परमिट मिल जाएगा। उस वर्क परमिट में ये है कि आपको हमारी तरफ से कोई जॉब ऑफर नहीं होगी, हम आपको जॉब नहीं देंगे, आपने वर्क परमिट सिर्फ ओपन वर्क परमिट है आपको जो मिलेगा, उस पर आप किसी भी जगह जाकर काम कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त अहबाब या कोई उधर रिश्तेदार, कोई ऐसे बंदे हैं आप जानते हैं, पहले उनसे आप बात करें, अगर वो आपको जॉब की गारंटी दें फिर आप ये चांस अवेल करें। 1 साल का वर्क परमिट होगा, आप जाएं वहां जाकर अपने दोस्त अहबाब जो भी आपको गारंटी देते हैं कि आकर हमारे साथ काम करें, या वो आपकी जॉब किसी भी कंपनी में लगवा कर देंगे, फिर आप इस चांस को अवेल करें। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं वो आप तक है, हमारी तरफ से 1 साल का ओपन वर्क परमिट हम आपको लगवा के देंगे। 1 साल के वर्क परमिट के अलावा जॉब की जो गारंटी है वो हमारे पास नहीं है, जॉब आपने खुद ढूंढनी होगी, आप सिर्फ ये आजाद हैं। 1 साल के वर्क परमिट में आपको कोई भी काम नहीं करेगा, आप वहां पर फुली काम कर सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं। वो लोग कॉन्टेक्ट करें मुझसे जो खुद 1 साल का वर्क परमिट हमसे दें, खुद उधर जॉब तलाश कर सकते हैं, या उनके ऑलरेडी उधर कोई रिलेटिव या दोस्त से बात है जो उनको गारंटी देते हैं कि हम आपको जॉब देंगे, तो वो लोग मुझसे रब्ता करें। अब जो इसमें हमें जो चीजें आपसे चाहिए होंगी, आपका सिर्फ पासपोर्ट और एक पिक्चर चाहिए होगी, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए हमें। आप अपना पासपोर्ट और एक पिक्चर हमें पहुंचाएं, हमसे इंशाल्लाह आप 2 से 3 हफ्तों में वीजा लें। जो पाकिस्तान से वीजा लगेगा 1 या 2 माह का लगेगा, बाकी वीजा लगवाना वो हमारी गारंटी होगी, हमारी जिम्मेदारी होगी। आपको किर्गिस्तान में हमारा स्टाफ मिलेगा, आपको वीजा वहां पर लगवा के देगा, फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, फिर आप जाने, आपका वीजा जाने, आपकी जॉब जाने, आपने खुद ही सब कुछ करना है। जो दोस्त अहबाब ये किर्गिस्तान का वर्क परमिट लेना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं, मुझसे रब्ता करें, फोन करें, मैसेज करें, इंशाल्लाह आपके साथ कॉल पे या मैसेजेस पे बात होगी और आपको पूरी तरह और भी जो जानना चाहते हैं आपको आगाही दे दी जाएगी। इंशाल्लाह अच्छा मौका है, अच्छा चांस है, लेकिन उस सूरत में कि जॉब आगे नहीं है, ये ओपन वर्क परमिट है, एक किस्म का आजाद वीजा। आजाद वीजा आपने खुद जाकर जॉब ढूंढनी है, लेकिन ये आप पे पाबंदी नहीं है, आप जॉब किसी भी जगह जाकर कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी लक तक है। आप अपनी लक आजमाना चाहते हैं या परमानेंट अपना एक पूरा बंदोबस्त कर लें कि हाँ भाई हम जाएंगे, हमारी ये जॉब हो जाएगी, आपको श्योरिटी देता है, फिर आप अप्लाई करें। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो देखते रहिएगा, आपको इंशाल्लाह अच्छी अच्छी गुड न्यूज मिलती रहेंगी। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।